नगरपालिका निगम भिलाई के सभागार में होटल मालिकों एवं अस्पताल संचालकों की अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें होटल मालिकों को होटल से निकलने वाले गीले कचरे और बचे हुए खाद्य पदार्थ को होटल परिसर में ही निपटान करते हुए पीट बनाकर खाद बनाने को कहा गया। तो वहीं अस्पताल संचालकों को सख्त हिदायतें दी गई कि वह अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को वेस्ट ले जाने वाली अधिकृत कंपनी को ही दिया करें। ये मेडिकल वेस्ट बाहर फेंकते हुए पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। होटल और अस्पताल संचालकों को इस कार्रवाई को करते हुए इसके रिकॉर्ड भी मेंटेन करने को कहा। ऐसा न करने पर होटल और अस्पताल के लाइसेंस जो निगम द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे निरस्त भी किया जा सकता है। कैसी कार्यशाला रही, क्या जानकारी मिली है, कैसी जानकारी रही? कचरा को कैसे वो करना है, आपको वेस्ट का को ठीक करना है, आपको जो खाद बनाना है, इस बार का सही सजेशन दिए है निगम ने। ऐसा कोई बात नहीं है, निगम ने जो भी बोला है वो सबके लिए, सभी संस्था के लिए बोला गया है, वो सही बात बिल्कुल। क्यों नहीं है, सबके लिए है, सबको अपनाना भी चाहिए। सिर्फ निगम ने हमारे लिए नहीं है, सभी उसके लिए है। जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटर के जितने लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और किस तरह से कचरों का निष्पादन करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। निगम के द्वारा पहले भी हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और इसके लिए पहले से ही एक जो इनका सुझाव रहा है कि जिनके पास में होटल के प्रमाइसेस में अगर जगह हो तो वो गीला कचरा सूखा कचरा ये इसके निष्पादन के लिए पिट बनाई जाए और पिट बनाकर उस कचरे का गीले कचरे का निष्पादन अपनी जगह में ही किया जाए और उससे उत्पन्न जो खाद वगैरह होती है अपने प्रीमाइसेस के गार्डन में उसको उपयोग किया जा सकता है। और ये एक अच्छी पहल है निगम की। जी, हम लोगों ने इस कार्य को करने के लिए पिट नहीं बनाया हुआ है, परंतु हम लोगों ने एक ग्रीन बिन जो आता है रेडीमेड उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम खाद का उत्पादन कर रहे हैं। होटल मालिकों की, होटल के जो होटल प्रोप्राइटर हैं उन लोगों की, साथ में जो सोसाइटी के लोगों की आज बैठक हुई है सभागार में। बैठक का उद्देश्य यही था कि होटलों से निकलने वाले जो सॉलिड वेस्ट है, होटलों से निकलने वाले जो उनके कचरे हैं, जिसको बोला जाता है साधारण शब्दों में गीला कचरा सूखा कचरा, उनको गीले कचरे को होटल स्तर पर ही सेग्रीगेट करना है और सेग्रीगेट करके वहीं पर उनको खाद बना के उसका उपयोग करना है। बहुत सरल विधि है और सरल विधि घर वहीं पर होटल में, बहुत सारे गार्डन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं होटल में, रोज़ खाद्य पदार्थ निकलते हैं जिसको उनको कभी कभी क्या होता है कि होटल वाले क्या करते हैं अपने खाद्य पदार्थ को गीला कचरा सूखा कचरा जो और भी मिला करके दे देते हैं, वो किसी काम के नहीं होता। शासन का स्पष्ट निर्देश है, नगर निगम भिलाई के निर्देश है, आज उनको मीटिंग के बारे में बात बोला गया है कि आप लोग अपने यहाँ से निकलने वाले कचरों को अलग अलग करके दें और जो गीला कचरा है उसको वहीं पर कंपोस्ट खाद बनाएं और खाद बना के अपने गार्डन में इस्तेमाल करें, इसलिए हुई है मीटिंग। देखिए, हॉस्पिटल वालों का जो मेडिकल वेस्ट है उनको भी अलग अलग करके देना है। पहली बात, सख्त निर्देश है, कोई भी हॉस्पिटल वाला यदि अपना मेडिकल वेस्ट को कहीं इधर उधर फेंकता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि पूरी कार्रवाई के साथ चालानी कार्रवाई होगी और उनके उनके हॉस्पिटल के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई द्वारा उनकी मान्यता तक निरस्त हो सकती है। क्यों? उनके द्वारा भेजा गया जो अपशिष्ट है वो वातावरण में घूम करके चारों तरफ वातावरण को दूषित करता है, बहुत उसको यहाँ तक पॉइजनिक होता है। तो उनके द्वारा शासन द्वारा निर्धारित एक मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार उनको वहाँ सेग्रीगेट करना है, उसके हिसाब से उसके द्वारा नहीं फेंकना है। और जो अगर ऐसा है कि उसको रीयूज किया जा सकता है उसको अगर हमारे नगर निगम को टीम को देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसका रीयूज में लगा देंगे।